हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब तबाही लोड हो रही है और डायनासोर प्रिपेयर हो रहा है किसके लिए, वॉर करने के लिए। 22 दिसंबर को सीज फायर पार्ट वन जो आने वाला है, क्योंकि यहां से भाई साहब एडवांस बुकिंग बहुत ही फाट चल रही है। बुक माई शो में इंटरेस्ट रेट अभी 30 दिन पहले से ही इतनी जबरदस्त देखने को मिल रही है। बहुत कुछ है भाई इस मूवी के लिए, लोग इतना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक्शन मूवीज आई नहीं है, बहुत आई हैं और सब अधिकतर ब्लॉकबस्टर मूवी आई हैं। सिर्फ बॉलीवुड की नहीं, पैन इंडिया मूवी में लियो ले लीजिए आप, जबरदस्त एक्शन मूवी। ऐसा सिनेमा शायद कोई बना भी नहीं पाएगा, लोकेश कनगराज की कोई बराबरी भी नहीं कर पाएगा। तो उस हिसाब से बहुत सी मूवी जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी सालार के लिए ढेर सारा वेट है, बेसब्री से वेट है। तो अभी सब बात करेंगे बुक माई शो पर क्या इंटरेस्ट रेट है, इसके साथ ट्रेलर कब आ रहा है और इसकी टाइमिंग क्या होने वाली है। भाई साहब रॉकी भाई का कैमियो, क्या ये वाकई में कंफर्म है या नहीं है, एडवांस बुकिंग में क्या हाल चल रहे हैं, सभी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कब, जब एक आध मिनट में काम पसंद आ जाए तब। चलिए शुरू करते हैं भाई, बुक माई शो से शुरुआत करेंगे। और आज 30 दिन पहले ही 5 लाख प्लस इसके बुक माई शो इंटरेस्ट रेट हो चुकी है, जबकि अभी जो करंट में मूवी आने वाली है उनकी नहीं है इतनी ज्यादा। तो अभी देखा जाए तो भाई साहब हाईएस्ट बुक माई शो इंटरेस्टेड किस मूवी का था, भाई पैन इंडिया मूवी विक्रम का, अगर आपने नाम सुना होगा, तमिल लैंग्वेज से ये मूवी थी। 2 मिलियन प्लस के आसपास इसकी बुक माई शो इंटरेस्टेड था, कब, जब रिलीज होने से पहले ही। तो देखा जाए तो भाई 30 दिन पहले ही 5 लाख अगर सालार के पास है, तो जब ये आने वाले रिलीज टाइम पे जस्ट क्लोज पहुंच जाएगी, उसके 4-5 दिन पहले पहुंच जाएगी, तो हो सकता है ये भी 2 मिलियन प्लस पार हो जाए। तो बुक माई शो पर तो ये फाड़ रही है और बॉक्स ऑफिस में भी ये फाड़ने वाली है, एडवांस बुकिंग में भी अभी से ही फाड़ रही है, जबकि प्रॉपरली एडवांस बुकिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ ओवरसीज में एडवांस बुकिंग चल रही है, वो भी कुछ प्लेसेस पे फ्लेक्सिबिलिटी में। दूसरा भाई साहब, 1 दिसंबर को ट्रेलर रिलीज हो जाएगा और जैसे जैसे ये डेट क्लोज आती जा रही है ऐसा लग रहा है कि भाई मूवी ही रिलीज हो जाएगी, क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। फैंस जो हैं सालार के या फिर प्रभास के, द डायनासोर डार्लिंग प्रभास के जो फैंस हैं, पूरा अपना समझ के ये पूरा एफर्ट डाल के प्रमोशन कर रहे हैं, जैसे ये खुद की ही मूवी हो, खुद का ही कंटेंट हो, खुद की जेब से पैसा लगा हो, इस तरह का हमें प्रमोशन देखने को मिल रहा है। 8-9 दिन बाकी ऐसे हर दिन मतलब अपडेट दी जा रही है कि भाई साहब सीज फायर का जो पहली किस्त है, पहली EMI है, वो 1 दिसंबर को फट जाएगी। कब फट जाएगी भाई, टाइमिंग भी आ चुकी है, 7:19 पे शाम को ये मूवी का ट्रेलर फटने वाला है। दूसरा भाई साहब, KGF यूनिवर्स के लिए तो लोग वेट कर ही रहे हैं, उसको और भी ज़्यादा आगे देखने के लिए, क्योंकि सालार में ये यूनिवर्स किस तरह एक्ट करने वाला है, तो इसमें रॉकी भाई का कैमियो के लिए बहुत वेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है। और यस, ये कंफर्म है। और कुछ एक जगह तो ये भी सुनने में आ रहा था कि भाई साहब कहीं इंटरव्यू होगा, उसमें रॉकी भाई को भी लेके आने वाले हैं, तो ये फुल इस्तेमाल कर रहे हैं उस कैमियो का, सिर्फ मूवी में ही नहीं अपने प्रमोशन में भी। तो भाई मूवी तो दमदार होने ही वाली है, एडवांस बुकिंग से क्या हाथ लग रहा है भाई साहब। नॉर्थ अमेरिका USA में ही सिर्फ 2000 प्लस लोकेशंस पर ही इस मूवी को रिलीज कराया जाएगा, जिसमें से अभी 186 प्लस लोकेशन पर एडवांस बुकिंग जबरदस्त तरीके से चल रही है, जिसमें से 570 प्लस शो जिनके खाते में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 6000 के आसपास स्लाइटली टच कर रहा है। एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं आया है उतनी क्लियरली, लेकिन फिर भी अराउंड में अप्रॉक्सीमेटली 5900 प्लस टिकट ये लोग अभी से ही सोल्ड आउट कर चुके हैं। भाई साहब मुद्दे की बात पर आओ कि हाथ कितना लगा है अभी तक, ये बताओ, क्योंकि इतना तो हमें मायने नहीं रखता है भाई, नंबर्स बताइए कितने आए हैं हाथ में। तो एडवांस बुकिंग से ही US डॉलर की बात करें तो 1,55,000 प्लस US डॉलर की एडवांस बुकिंग कलेक्शन इन्होंने अभी से ही कर ली है, 30 दिन पहले से ही। और अभी जब मूवी कि जब रिलीज डेट पास में आ जाएगी, उसके 8-7 दिन पहले प्रॉपर एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी, तब तो तबाही देखने को मिलेगी, करोड़ों में मतलब मिनटों में डेटाज बदले जाएंगे। अभी भी बदल रहे हैं बट उतना क्लियरली नहीं आ रहा है, USA से ही क्लियर आ रहा है, बाकी UK में भी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन वहां से अभी रिपोर्ट इतना क्लियर नहीं आई है। बुकिंग 90% अगर मैं देखूं तो 90% किस लैंग्वेज से इसमें बुकिंग हुई है, ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु से हुई है, बाकी उसके बाद तमिल डब्ड वर्जन से हुई है, फिर उसके बाद हिंदी डब्ड वर्जन से भी हुई है, बट 90%+ की जो बुकिंग हुई है वो सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज से हुई है। तो भाई अभी से तबाही देखने को मिल रही है। 1 दिसंबर ट्रेलर के लिए कौन कितना वेट कर रहा है और ये मूवी कितना बिजनेस करने वाली है, क्या पठान जवान की तरह ये भी 1000 करोड़ फाड़ के जाएगी,
जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी ट्रेलर के लिए कितना एक्साइटमेंट है वो भी बता कर जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।